नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम के चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कहानी के बारे में, एक कहानी जिसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 से। 7 अक्टूबर 2023, आपको पता होगा, इसराइल के ऊपर फिलिस्तीन का हमला हुआ था और ये इसराइल के इतिहास का सबसे घातक हमला था। सबसे बड़ा हमला इसराइल के ऊपर अगर कभी हुआ इतिहास में, तो वो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हुआ क्या था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह के समय इसराइल के अंदर फिलिस्तीन के हमास के लड़ाके, जिनको मिलिटेंट्स भी कहा जाता है, वो घुस गए और उन्होंने कत्लेआम मचा दिया इसराइल में। वहाँ तकरीबन 1200 से 1400 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 400 तो इसराइल के सैनिक थे और बाकी सिविलियंस थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 250 लोगों को बंधक भी बनाया और साथ में ले गए, जिसमें से अभी तक खबर ये आई है कि 70 लोग मारे गए हैं और 100 के आसपास लोगों को उन्होंने वापस कर दिया है और बाकी बचे लोग अभी भी फिलिस्तीन के कब्जे में हैं। ये तो हुई 7 अक्टूबर 2023 की घटना। 7 अक्टूबर की घटना इसराइल के इतिहास में इतनी बड़ी घटना थी कि पूरे दुनिया को इसने हिला कर रख दिया। हर कोई अब यही सोच रहा था कि अब इसराइल करेगा क्या, क्योंकि इसराइल इतने बड़े हमले के बाद वो चुप बैठने वाला तो था नहीं, उसने कुछ ना कुछ करना था। और इसकी शुरुआत उसने की 27 अक्टूबर 2023 को, जब उसने गाज़ा पर बमबारी शुरू की। इसके बाद 15 नवंबर, फिर 24 नवंबर इसराइल ने गाज़ा में बम की बारिश कर दी। 15 नवंबर को उसने फिलिस्तीन के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ मारे गए। इसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि इसराइल अब यहीं रुक जाएगा, लेकिन इस बार इसराइल रुकने के मूड में बिल्कुल था ही नहीं। उसने ये ठान लिया था कि इस बीमारी को वो जड़ से ख़त्म करेगा, और ये बीमारी सिर्फ फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है। इस बीमारी की जड़ें जो है वो लेबनान, सीरिया और ईरान तक जाती हैं। इसके बाद अगले 6 महीने में इसराइल ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40,000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन में। इतनी बड़ी संख्या, लगभग 40,000 लोग, आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या देख करके पूरी दुनिया हैरान है, और वो भी ये कह रही है कि अब इसराइल को रुक जाना चाहिए, लेकिन इसराइल किसी की सुनने वाला नहीं है। उसको इसमें US का भी थोड़ा सपोर्ट है और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का भी सपोर्ट है, और इसीलिए इसराइल जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद इसराइल ने अपनी तोपों का रुख कर दिया सीरिया की तरफ, जहां उसने दमास्कस में हमले किए। इसके बाद वो लेबनान की तरफ गया, जहां उसने हिजबुल्ला के लोगों को टारगेट करके मारना शुरू किया। और इसी बीच में इसराइल ने गाज़ा पर भी अपने हमले जारी रखे। ऐसा नहीं था कि उसने गाज़ा को छोड़ दिया था, वो दूसरे देशों पर हमले तो कर रहा था, लेकिन गाज़ा को भी वो भूला नहीं था। और 7 अक्टूबर की घटना का बदला उसने गाज़ा को बिल्कुल सपाट करके लिया। अभी भी इसराइल जो है वो गाज़ा पर अपने हमले जारी रखे हुए है, लेकिन साथ साथ वो सीरिया और लेबनान पर भी हमले कर रहा है, और सीरिया और लेबनान भी इसराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान ने तो इतना बड़ा हमला किया है कि इसराइल का जो उत्तरी इलाका है, जिसे नॉर्दर्न इसराइल कहते हैं, वहाँ से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, वो अपने घरों को वापस नहीं जा पा रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इन विस्थापित लोगों को वापस अपने घरों तक पहुंचा के रहेंगे। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्ला के हमले लगातार हो रहे थे और बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे थे। तो इसराइल ने ये फैसला किया कि अब वो अपना सारा ध्यान लेबनान की ओर लगाएगा। और इसमें जुलाई के महीने में उसने हिजबुल्ला के एक कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया, जिसके बाद उसे लगा कि अब हिजबुल्ला थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हिजबुल्ला ने अपने हमले और तेज़ कर दिए। अगर वो पहले 10 रॉकेट मारते थे, तो अब वो 50 रॉकेट इसराइल की तरफ मारने लगे। इससे नेतन्याहू की समस्या घटने की बजाय और बढ़ने ही लगी। तो उसने फैसला किया कि हिजबुल्ला को ख़त्म करना ही इस पूरी समस्या का एकमात्र सोल्यूशन होगा। और अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले लेबनान में एक पेजर अटैक हुआ था। पेजर अटैक क्या, जिसमें लोगों के पॉकेट में रखे पेजर डिवाइसेस जो हैं वो अचानक से फटने लगे।
और सबका यही कहना है कि इसराइल ने ये करवाया है, और दबे शब्दों में इसराइल ने इसे मान भी लिया है कि हाँ ये उसी ने कराया है। और आप ये सोचिए कि वो पेजर हमले इतने खतरनाक थे कि 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी सैकड़ों में है। अब हिजबुल्ला को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे, इसराइल आखिर उनके पेजर तक पहुंचा कैसे। खैर वो एक अलग कहानी है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा, बहुत मज़ेदार स्टोरी होगी वो। खैर तो 17 सितंबर को पेजर अटैक होता है, 17 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्ला के जो वर्कर्स हैं उनकी पेजर डिवाइसेस में ब्लास्ट होता है, और 18 सितंबर को उनके घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे रेडियो, टीवी, कार की बैटरी, वॉकी टॉकी, इन सब चीज़ों में ब्लास्ट होने लगता है। इसके बाद तो हिजबुल्ला को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे और अब वो क्या करें। इसराइल ने एक तरह से उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही पूरी तरह तबाह करके रख दिया, और ये काम सिर्फ इसराइल ही कर सकता है। पूरी दुनिया में इसराइल ही एक ऐसा देश है जो ऐसा कर सकता है। उसने हिजबुल्ला के इस पूरी संगठन को तबाह करके रख दिया एक झटके में। लेकिन इसराइल यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। 27 सितंबर 2024 इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, और इस हमले में उसने हिजबुल्ला के चीफ कमांडर इन चीफ हसन नसरुल्ला को मार गिराया। शुरुआत में हिजबुल्ला जो है वो इसको इससे डिनाई करता रहा, इसको इनकार करता रहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगले दिन उसे ये बात माननी ही पड़ी कि हाँ हिजबुल्ला के जो कमांडर इन चीफ थे हसन नसरुल्ला, उनकी मौत हो चुकी है इसराइल के हमले में। इसराइल ने ये हमला हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर्स पर किया जहाँ हसन नसरुल्ला रह रहा था, और वो भी किसी आम घर में नहीं रह रहा था, वो ज़मीन से 3-4 मंजिल नीचे वहाँ रह रहा था ताकि किसी भी तरह का बम या मिसाइल उसके ऊपर काम ना कर सके। लेकिन इसराइल ने इस चीज़ को भी समझा और इसका भी तोड़ निकाला, वो भी एक अलग कहानी है, वो भी बहुत मज़ेदार स्टोरी है। फिलहाल आप इतना समझिए कि लगातार बमों की बारिश उस बिल्डिंग पर हुई जिसके बाद हसन नसरुल्ला की मौत हुई। हसन नसरुल्ला की मौत के बाद इस खेल का असली खिलाड़ी सामने आया जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, और उस खिलाड़ी का नाम है ईरान। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 की घटना, और अभी जो ईरान ने हमला करा है इसराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक जितने भी हमले हुए हैं इसराइल के ऊपर, उनमें कहीं ना कहीं ईरान का हाथ था, ईरान का समर्थन था, ईरान के हथियार थे या ईरान का पैसा था। ईरान ये खेल पर्दे के पीछे रहकर खेल रहा था, और वो चाह रहा था कि वो ऐसे ही पर्दे के पीछे रहकर के ये खेल खेलता रहे, लेकिन इसराइल को पहले से पता था इसके पीछे कौन है, और वो उस नकाब को नोचने में सफल हो गया 28 सितंबर को, जब हिजबुल्ला के कमांडर इन चीफ हसन नसरुल्ला के मौत की स्वीकारोक्ति यानी एक्सेप्टेंस हिजबुल्ला द्वारा की गई। इसके बाद ईरान पूरी तरह से तिलमिला गया, उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके कंधे पर रखकर अब बंदूक चला सकता है, और दूसरे देशों में भी ईरान को लेकर के गुस्सा बढ़ने लगा था। आपने देखा होगा कि जो मिडिल ईस्ट के दूसरे अरब देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इसमें से किसी ने ईरान का समर्थन नहीं किया है, और सबने यही कहा है कि दोनों देशों को युद्ध से बचना चाहिए, दुनिया को ही युद्ध से बचना चाहिए वैसे तो, लेकिन क्या करें जब युद्ध आपके सामने खड़ा होगा तो लड़ने के अलावा और कोई रास्ता तो होता नहीं है। खैर ईरान ने जब हसन नसरुल्ला की मौत हो गई तब ईरान को लगा कि अब उसे खुलकर सामने आना ही पड़ेगा और कोई चारा उसके पास बचा नहीं है, तो उसने 1 अक्टूबर 2024 को बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश कर दी ईरान के ऊपर। अगर आप उस मैप को देखेंगे जहाँ जहाँ बम के अटैक हुए हैं, पूरा का पूरा इसराइल आपको लाल नज़र आएगा। हालांकि जब ये अटैक हुआ तो ईरान में खुशियाँ मनाई गई, फिलिस्तीन में खुशियाँ मनाई गई, लेबनान में खुशियाँ मनाई गई, पर अगले ही दिन जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई कि कितना नुकसान हुआ इसराइल को, तब पता चला कि इसमें किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। आप सोचिए 200 से ज़्यादा मिसाइल्स मारी ईरान ने, इसराइल के ऊपर हमला किया 200 से ज़्यादा मिसाइल्स, और उसमें एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ये बहुत अजीब लगता है ना सुनकर, लेकिन यही तो इसराइल की खासियत है। इसराइल के लोग जो होते हैं ना, उनको ये ट्रेनिंग होती है कि वो किसी भी हमले के समय
उन वहाँ एक सायरन बजता है और सब लोग बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाते हैं, जो मतलब सरकार ने भी बना कर रखे हैं और लोगों ने अपने घरों में भी बना कर रखे हैं। और आपको पता है ये लोग ट्रेंड होते हैं कि सायरन बजने के एक मिनट के अंदर अंदर ये लोग बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। अब ईरान ने जो मिसाइल्स दागे थे इसराइल के ऊपर, उनको 10 से 12 मिनट का समय लगना था। और आप सोचिए कि जो लोग ट्रेंड हैं कि वो एक मिनट में अपने घरों से या कहीं भी जहाँ पर वो बाज़ार में हैं वहाँ से वो चले जाएँ बॉम्ब शेल्टर्स में, उनके लिए 12 मिनट का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर किसी भी तरह के जान की नुकसान नहीं हुई। कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है मिसाइल्स गिरी हैं तो कुछ तो नुकसान हुआ होगा। हालांकि इसराइल का कहना है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, और ईरान का कहना है कि उसने इसराइल के 20 से ज़्यादा F-35 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। पर इसका कोई प्रूफ ईरान नहीं दे पा रहा है, ना ही कोई दूसरी इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा कुछ आया है सामने जिससे ये हम समझ सकें कि इसराइल के 20 से ज़्यादा F-35 जो हैं वो ख़त्म कर दिए ईरान ने। तो हम यही मान सकते हैं कि ईरान ने एक हमला तो किया, लेकिन उस हमले से फ़ायदा उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो कोई नुकसान की खबर आई नहीं है, ना ही इसराइल के किसी रिटेलिएशन की खबर आई है। हालांकि ये बात तय है कि इसराइल इतनी आसानी से चुप तो बैठेगा नहीं, उसने कुछ ना कुछ करना है। और वो क्या करेगा, अब सब इसी के कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईरान जो है उसको तबाह कर देगा, कोई कह रहा है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इसराइल तबाह कर देगा, कोई कह रहा है कि वो जो ईरान का सुप्रीम लीडर है खमैनी उसको मारने के प्रयास करेगा। ये सब मतलब बातें अब भविष्य के गर्भ में हैं, पता नहीं इसमें से क्या सच होगा। लेकिन ये तय है कि इसराइल कुछ ना कुछ तो करेगा ज़रूर, और ईरान भी ये बात समझ रहा है। अब बात करते हैं ईरान और इसराइल की लड़ाई में शामिल दो और खिलाड़ियों की, दो ऐसे खिलाड़ी जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं, जिनके बारे में लोगों को अंदाज़ा है पर कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा। पहला खिलाड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है वो खुलकर के इसराइल के समर्थन में है, हालांकि उसने अभी तक कोई सैन्य मदद नहीं करी है इसराइल को, लेकिन वो इसराइल को रुकने को भी नहीं कह रहा है। और दूसरा खिलाड़ी है रशिया। 2 अक्टूबर को इसराइल ने सीरिया में बमबारी करी, जहां ये कहा जा रहा है कि उसने रशियन एयरबेस के बहुत नज़दीक में हमला किया। रशियन बेस पर हमला नहीं किया, लेकिन रशियन बेस के बहुत नज़दीक हमला किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहा था ईरान सीरियंस को, ताकि वो इसराइल के खिलाफ लड़ सके। अब रशिया ने इसको लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर वो क्या करने वाला है ये भी किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि रशिया खुलकर के ईरान के समर्थन में आ जाए, ये भी हो सकता है कि रशिया अभी अपने आप को रिस्ट्रेन करे किसी भी और लड़ाई में कूदने से, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और उसको ज़रूरत नहीं है अभी इधर मिडिल ईस्ट की तरफ आने की। खैर, अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसके भारत के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यहाँ पर इस सिचुएशन में भारत का धर्म संकट बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि भारत के संबंध जो हैं वो ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और भारत के संबंध इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा अभी जब ये हमला हुआ 1 अक्टूबर वाला ईरान का इसराइल के ऊपर, उसके बाद जो ईरान के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुहार लगाई थी कि आपके संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं और आप जो है वो कुछ इसमें मध्यस्थता करिए और इस लड़ाई को रुकवाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस बीच में अभी कूदने वाले हैं, और उससे भी बड़ी बात कि नेतन्याहू किसी की भी बात सुनने वाला। नेतन्याहू ने यह फैसला कर लिया है कि वो इसराइल के ऊपर हो रहे लगातार हमलों की जड़ से उसको समाप्त कर देंगे, उस समस्या को, उसके बाद ही वो मतलब चैन से बैठेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी इसमें अपडेट्स होंगे उनके साथ मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी इसके बारे में अगर आपको और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं इस अगले वीडियो में। थैंक यू।